हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। क्रिप्टो में इन दोनों में से कौन सा काम करता है और आपको क्या चीज़ इनमें से सीखनी चाहिए और क्या काम आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, लास्ट तक देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बता दूं, ये मेरे खुद के ओपिनियन है, मेरी खुद की रिसर्च है। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसे एज ए एडवाइस ना लें। आप अपनी खुद की रिसर्च करें, जो आपको सही लगे वो करें। TA और FA, इन दोनों में से कौन सा सही है, इसको समझने से पहले दोस्तों आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इन दी ब्रीफ मैं आपको पहले बता देता हूँ TA और FA के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंस में टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड होता है जिससे ये फोरकास्ट किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर एसेट का प्राइस क्या हो सकता है, मतलब कि प्रिडिक्शन की जाती है। हालांकि ये दोनों मेथड ही हैं फाइनेंस में जो कि आपको मदद करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन के लिए। तो बेसिकली क्रिप्टो में टेक्निकल एनालिसिस से मतलब यही है कि कुछ टूल्स का यूज करके किसी पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस मूवमेंट जानना, और यही टूल्स हेल्प करते हैं एक ट्रेडर को ये समझने के लिए कि आगे प्राइस क्या हो सकता है, क्या सेंटिमेंट हो सकता है मार्केट का, मार्केट में क्या ट्रेंड हो सकता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस से मतलब होता है दोस्तों किसी कॉइन का, मैं यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर चल रहा हूँ इसलिए कॉइन बता रहा हूँ, हालांकि स्टॉक और फॉरेक्स में या फिर फाइनेंस में फंडामेंटल का मतलब बहुत ही डीप है। तो हम यहाँ पे क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो की ही बात करेंगे। क्रिप्टो में फंडामेंटल से मतलब होता है किसी कॉइन का प्रोजेक्ट के बारे में जानना, उसकी टीम के बारे में जानना, डॉक्यूमेंटेशन, रोड मैप, क्या उसका एम है, किस ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, टोकन इकोनॉमी, टोकन मैट्रिक्स, मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, और कंपनी का क्या रेवेन्यू है, एंड बहुत कुछ जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। और उनकी टीम क्या बनाना चाहती है, कितने इन्वेस्टर्स या बैंकर या एंजल इन्वेस्टर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि FA में आती हैं। नाउ दोस्तों, हम लोगों के बीच एक जो है मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैंने बहुत जगह जो है नोटिस किया है, जो लोग FA रीड करते हैं उनको लगता है कि FA बेस्ट है और TA यूजलेस है, जबकि जो लोग TA करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, जो दिन रात टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो फंडामेंटल को यूजलेस नहीं समझते। लेकिन फंडामेंटल वाले लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सीखी नहीं होती है। बट टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। ये समझ लीजिए दोस्तों कि TA और FA एक ऐसी व्हीकल्स के व्हील्स हैं जिनमें अगर कोई सा भी नहीं होगा तो आप रेस नहीं जीत सकते, आपसे बहुत लोग आगे निकल जाएंगे। तो इन दोनों को साथ में अगर आप लेके चलते हैं तो ही पॉसिबल है कि आपका जो व्हीकल है वो बहुत तेज भाग सकता है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इन दोनों को साथ में लेकर अगर आप चलते हैं तो आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाती है किसी भी कॉइन के बारे में। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने आप पे, आपको जो है विश्वास हो जाता है कि हाँ, मैं ये ट्रेड जो है सही कर रहा हूँ। जैसे कि आपने किसी कॉइन के बारे में टेक्निकल एनालिसिस किया और आपको लगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जब आप उसका FA रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आपको डबल कन्फर्मेशन वहाँ पे मिल गया। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैसे होने को तो एक और एनालिसिस होता है जिसको सेंटिमेंटल एनालिसिस बोलते हैं, बट इसको इतनी मेजोरिटी नहीं दी जाती। इससे मतलब यह है कि अगर सब लोगों को लग रहा है भाई कि हाँ बुल रन आ गया, बुल रन आ गया, तो एग्जैक्टली वहाँ पे आपको जो है प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। तो ये लोगों के जो है सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हम जो है TA और FA की बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, बट जितना मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा है और जितना जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके बारे में, उनके जो कोटेशन है उनको रीड किया है, तो मुझे लगा है कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत सही है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको ये एक आइडिया दे देता है कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉइन कब बाई करना है और कब सेल करना है, जबकि FA में ऐसा नहीं होता। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती,
अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर एक ट्रेडर करोड़पति होता। ये एक सिंपल सी बात है, आपको समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट एक ये समझ लीजिए आइडिया मिल जाता है कि क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है और मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। बट अगर मैं वहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूं, तो कुछ लोग होते हैं ना कि भाई नहीं, टीए तो यूजलेस है, फंडामेंटल बेस्ट है। तो देखिए उन लोगों को वो किस बेस पे बोलते हैं। उन लोगों को लगता है जैसे कि किसी पर्टिकुलर कॉइन की कोई न्यूज आई कि भाई ये बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वहाँ पे वो कॉइन की प्राइस राइज करेगी क्योंकि वो लिस्ट होने वाला है। ये किसी एक कॉइन के साथ नहीं होता, हमेशा बहुत सारे कॉइन के साथ यही होता है, और ये चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। लेकिन एक टेक्निकल एनालाइजर को ये चीज़ बहुत पहले से पता होती है क्योंकि वो अपने सारे टूल्स यूज करके उस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में देख लेता है कि हाँ ये बढ़ने वाला है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। जैसे कि आपने किसी कॉइन्स पर अपने जो टूल्स हैं यूज किए, जो इंडिकेटर्स हैं वो यूज किए, और आपके इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि कॉइन डाउन जाने वाला है, लेकिन उस कॉइन की कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, तो उस केस में जो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस हो जाता है। एंड अगर मैं वहीं पे बात करूँ फंडामेंटल एनालिसिस की, तो देखिए आपको पता होगा कंसेंसस के टाइम जो लोग फंडामेंटल पे बिलीव करते हैं, उन्होंने सोचा, मोस्टली सभी को ये लगता था कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्रिप्टो मार्केट में नया पैसा आएगा, क्योंकि जो मीटिंग थी वहाँ पे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स आने वाले थे, हर एक प्रोजेक्ट में या जो प्रोजेक्ट वहाँ पे लिस्ट हुई उनमें पैसा लगाने वाले थे। बट ऐसा हुआ नहीं, अगर उन लोगों ने पैसा लगाया तो भी मार्केट नहीं बढ़ा, और ये चीज़ एक टेक्निकल एनालिसर को पता होती है, तो वहाँ पे जो है फंडामेंटल फेल हो जाता है। तो कभी कभी ये दोनों मेथड काम नहीं करते, और कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, ऐसा चलता रहता है। बट दोस्तों कुछ लोग जो फंडामेंटल को सपोर्ट करते हैं, या फिर जिनको आप इन्वेस्टर कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो ऐसा बोलते हैं कि चार्ट आर ए लीडिंग इंडिकेटर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। जबकि दोस्तों जो ट्रेडर होता है जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करता है, वो ये बोलता है कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क प्रिसाइसली बिकॉज पीपल लुक एट इट एंड इफ पीपल केयर आई केयर। एंड दोस्तों अगर हम बात करें व्हेल्स की, जो कि क्रिप्टो मार्केट को नीचे ले जाते हैं ऊपर ले जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिप्टो मार्केट में, वो लोग कभी भी टीए और एफए को अलग अलग नहीं समझते, इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, और इसी के बेस पे वो लोग मार्केट को चलाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और एक और चीज़ टीए के बारे में कि आप अकेले इंसान नहीं होते हो टीए करने वाले, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोग केयर करते हैं जब भी ये काम करता है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अकेले हो ना। दोस्तों बात करते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप डे ट्रेडिंग नहीं करते, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और देखिए ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या जो एफए में बिलीव करता है उसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं होती, उसको ये तो एटलीस्ट पता होता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगा, वो डाउन आएगा, तो वो वहाँ पे बाई कर सकता है किसी पर्टिकुलर कौन को जिसका फंडामेंटल उसने रीड किया है, तो वहाँ पे जो लॉस का रेशियो है कम हो जाता है। बट कुछ लोग होते हैं फंडामेंटल में जो कि कॉइन को हाई पे बाई कर लेते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको दोनों ही चीज़ें सीखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा डे ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिना टीए के आप इस चीज़ को कर ही नहीं सकते। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस की आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सा कॉइन का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से कॉइन परफॉर्म कर रहा है, और उसका आगे का प्राइस एक्शन क्या होगा, क्योंकि आपको हिस्टोरिकल चार्ट रीड करना ही नहीं आता, आपको पैटर्न रीड करना ही नहीं आता, आपको चार्ट समझता ही नहीं है, आपको जो है पता ही नहीं है कि कैंडल स्टिक क्या होती है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे। तो टेक्निकल एनालिसिस उस केस में बहुत ज़रूरी है जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, लेकिन आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। आपने सोच लिया कि नहीं भाई मार्केट की ऐसी तैसी कराए, हमें कुछ मतलब नहीं है मार्केट से क्या चल रहा है, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हो कि फंडामेंटल आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। नाउ दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूजलेस समझते हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे, या बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं
जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कोचिंग दी जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रो ट्रेडर हैं जो कि कोचिंग देते हैं, तो वो क्या सब यूजलेस हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन में लोग दोनों चीज़ें सीखते हैं, दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इन दोनों के बिना हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है तो दोनों ही चीज़ें सीखिए दोस्तों। एंड जो लोग फॉरेक्स में है या फिर स्टॉक में है, जो ऑलरेडी एक तरीके से माहिर हैं टेक्निकल एनालिसिस करने में, उनसे पूछिए कि कितना वर्क करता है टेक्निकल एनालिसिस। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है, क्योंकि आपको पता होता है कि कब किस कॉइन को बाई करना है, कब सेल करना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, आप वहाँ पे सर्वाइव कर जाओगे। बट एफए जो बंदा रीड करता है वो सिर्फ बेट करता है दोस्तों, अगर उसने हाई पे किसी कॉइन को बाई किया है तो। मैं आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप रीड करना चाहें, अगर आप बिल्कुल ही डमी हैं तो आप उन बुक्स को रीड करके बहुत अच्छा सीख सकते हैं दोस्तों। लाइक डे ट्रेडिंग फॉर डमीज, एन सी लॉक की बुक है, कैंडल स्टिक चार्टिंग फॉर डमीज, रसल रोड की जो है बुक है, और एक टेक्निकल एनालिसिस फॉर डमीज, ये भी जो है बारबरा रॉक फेलर की एक बुक है। तो इन बुक को आप रीड कर सकते हैं, इनके बारे में चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। और दोस्तों कैंडल स्टिक्स चार्टिंग ये सब सीख लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, हमेशा काम आएगा दोस्तों, हमेशा। आपको कभी भी किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या किसी भी यूट्यूबर पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं, कभी भी आपको पेड ग्रुप के लिए पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो। मार्केट का सेंटिमेंट कैसा भी हो, आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा बढ़ा लेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा मैनेज कर लेंगे अगर आपको टीए आता है तो। और दोस्तों जो लोग टीए करते हैं वो फंडामेंटल को साथ में लेके चलते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि एफए रीड करने के बाद टीए को यूजलेस समझते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे नैनो को लिया है डॉलर में। अभी देखिए कुछ लोग जो कि एफए पे बिलीव करते हैं वो क्या करेंगे, उन्होंने पढ़ा नैनो के बारे में, अरे यार क्या मस्त प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे जब प्राइस चल रहा है तो बाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से नैनो आता गया डाउन, अब वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, होल्ड करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता उनके पास, उनको करना होता है सिर्फ होल्ड, या फिर उनको करना होता है लॉस में सेल। लेकिन जो एक टीए वाला बंदा होता है वो कभी भी यहाँ पे बाई नहीं करता, क्योंकि वो प्रीवियस चार्ट को रीड करता है, उसको पता होता है कि कब ये डाउन जाने वाला है, कब अप जाने वाला है। यहाँ पे एक एफए वाला बंदा बाई करेगा तो उसको यहाँ तक आने के लिए वेट करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है वो सेल करे। लेकिन ये जो इतना चार्ट बना है, कैंडल बने हैं, इसके बीच में एक टेक्निकल एनालिसिस करने वाला बंदा पता नहीं कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लेता होता है। बट दोस्तों फंडामेंटल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितना ट्रेडर ये डे ट्रेडिंग करके परेशान होके कमाता है, उतना एफए पे बिलीव करने वाला बंदा एक बार में कमा लेता है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है सच काफ़ी हद तक। बट दोस्तों अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो आप डबल कमाओगे ना, सिंपल सी चीज़ है, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। नाउ दोस्तों एट द एंड जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि एफए और टीए दोनों ही सही हैं, दोनों को ही सीखिए, किसी एक के भरोसे आप नहीं चल सकते, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पैसा कमाना है तो। और सीखते रहिए दोस्तों चीज़ें, आप जितना सीखेंगे उतना आपको काम आएंगी। और एक और चीज़ दोस्तों मैं मेंशन करना चाहूँगा, लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने आप पे कि एक्चुअली में टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है, और ये चीज़ ट्राई एंड टेस्टेड है। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है लेकिन हमेशा वोलेटाइल नहीं रहता, हर एक कॉइन का अपना ट्रेंड होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब बिटकॉइन का सेंटिमेंट ख़राब होता है तो, और ये समझ लो बिटकॉइन सबको ले डूबता है, क्योंकि पूरा मार्केट बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाइयों, एक ही चीज़ नहीं है, बहुत कुछ चारों तरफ देखना पड़ता है, फिर जाके जो है ट्रेड करना पड़ता है। तो यही चीज़ दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। एंड मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरे खुद के ओपिनियन है, हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत हूँ और हो सकता है मैं सही हूँ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।
scans through the house.